और कई बार ना लाइफ में एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो मुड़के एक बार जरूर देखना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, क्योंकि यूजली हमारी गॉड से कंप्लेंट उस चीज के लिए होती है जो हमारे पास नहीं है, बट हमने कभी उस चीज के लिए थैंक्स नहीं किया आज तक कि क्या क्या हमारे पास आ गया जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था आज से 20 साल पहले, राइट? तो अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि व्हेन आई गॉट इनटू दिस बिजनेस, लाइक मैं और लीना दोनों फुल टाइम काम कर रहे थे, अपना एक इंस्टीट्यूट था के स्कूल ऑफ फिजिक्स के नाम से, और ये जो इंस्टीट्यूट था ये इट वाज नॉट लाइक के मतलब उसको बिल्ड करने में 7-8 साल लगे थे तब तक, एंड इट वाज अमंग द टॉप टू इन चंडीगढ़ ऑलरेडी, और चंडीगढ़ जैसी मेट्रोपोलिटन सिटी में, बढ़िया सिटी में अगर आप टॉप टू में पढ़ा रहे हैं तो आपका ना कुछ नाम जबरदस्त होगा, राइट? और अगेन अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं कि उस दौरान क्या हो रहा था कि लाइक टाइम वाज नॉट देयर, बहुत बिजी स्केड्यूल था, और उस बिजी स्केड्यूल के कारण से हमारे पास इतना भी टाइम अपने लिए नहीं होता था कि हम लाइक घूमने फिरने जा सकें, अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकें। एक टाइम होता ना लाइक कॉलेज टाइम में क्या था, पैसा बिल्कुल नहीं था जेब में, तो सेक्टर 17 यहाँ की एक मेन मार्केट है, वहां जाते थे तो शोरूम्स को देखते थे, तो ऐसा लगता था यार इतने महंगे जूते, इतने महंगे कपड़े भी कोई खरीदता होगा, बट मन में होता था कि एक दिन पैसा कमाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और इस पैसे के को लेकर फिर यहाँ पर आएंगे हम शॉपिंग करने। लेकिन जब पैसा कमाना शुरू किया तो सेक्टर 17 जाने का टाइम ही नहीं मिला, कभी इतने बिजी हो गए कि सेक्टर 17 को देखे हुए टाइम लगना शुरू हो गया था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब 2002 में बिजनेस को देखा तो आई वॉज डिजायरिंग जस्ट के किसी तरीके से हमारे पास समय हो जाए, टाइम हो जाए, और आज आपने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, ही वॉज जस्ट इन बीकॉम पार्ट 2, संदीप जब इसने शुरू किया था, एंड ही इज एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस, उसने खुद ही अपने आप को चूज किया कि मैंने यही करना है, जॉब में नहीं जाना है, एंड इसके डिसीजन को लोगों ने बड़ा मतलब अपोज किया, बट स्टिल ही स्टक टू इट, और नाउ ही इज रीपिंग द रिवॉर्ड्स, उन रिवॉर्ड्स को रीप कर रहे हैं, और हैप्पी एंड संदीप मतलब दे आर वन ऑफ द बेस्ट कपल इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग वेरी फास्ट, और मैं आपको बताऊं कि जो नए लोग हैं स्पेशली, क्वेश्चन है पहले तो ये कि आप ये डिसाइड कीजिए कि करना क्यों है, क्योंकि अगर आप केवल इसी कारण से बिजनेस में आ रहे हैं कि कोरोना का ये मतलब कोरोना का पीरियड चल रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है, तो चलो कुछ और शुरू करते हैं, तो मैं फ्रेंकली आपको बताऊं ये कोरोना भी ठीक हो जाएगा, ये लॉकडाउन भी ठीक हो जाएगा, ये सब चीजें सेट हो जाएंगी 6-7 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि तो उस नॉर्मल लाइफ के आने के बाद भी क्या आप करोगे, राइट? क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना, नेगेटिव इमोशंस बहुत हाई होते हैं, जरा ऐसा लग रहा होता है पता नहीं यार क्या हो गया। एक कहावत है, कहते हैं डिग द वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी, कुआं कब तब खोदो जब कुआं खोदने की आपको मतलब आपको प्यास ही नहीं है, तो आप कुआं अच्छे तरीके से खोदोगे, मजबूत कुआं खोदोगे, डीप कुआं खोदोगे ताकि जनरेशन पानी पिए, लेकिन अगर प्यास लगी हुई है तो कुआं नहीं खोदेगा फिर, और जनरेशन तो बहुत दूर की बात है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस दौरान क्योंकि आप प्यासे हैं, आपकी जॉब छूट गई है, राइट? या आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे तो बड़े बड़े सपने थे बाहर जाने के, वो तो कैंसिल ही हो गया, इस कारण से मैं इस अपॉर्चुनिटी को आज देख रहा हूं, तो आई कैन से दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग इट। हाँ, आप इस कारण से देख सकते हैं कि ऐसा टाइम मेरी लाइफ में दोबारा कभी ना आए, अगर दोबारा कभी ऐसा पीरियड आया तो मैं एक ऐसा ऑल्टरनेट बिजनेस खड़ा कर लूं ताकि ऐसा टाइम मेरी लाइफ में कभी दोबारा रिपीट, देन दिस कुड बी द राइट रीजन टू बिल्ड इट। तो ये एक बिजनेस इस तरीके से है, और सबसे पहले लोग जानना तो ये चाहते हैं कि आपको क्या मिला। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये डिसीजन ना लेता तो क्या होता, आज हम इस डिसीजन को ले चुके हैं, सक्सेसफुली बिजनेस को कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर ना लेते तो मैं पीछे अभी हमारे बी सेक्टर की मार्केट में, कंप्यूटर मार्केट में एक बार गया था, तो वहां पे टीचिंग, चंडीगढ़ जो है ना एक हब है बेसिकली टीचिंग का, बहुत बड़ा हब है, तो वहां पे मैं देख रहा था कि जो मेरे साथ के दिग्गज लोग जो पढ़ा रहे थे, जो 100-100 के बैच पढ़ा रहे थे, आज क्या हो रहा है,
90% ऑफ देम आर नाउ जीरो, और जो बचे हुए हैं वो लोग अब इस दौरान, मतलब मैं कह सकता हूं कि सोच रहे हैं कि शोरूम का किराया 2-2 लाख 3-3 लाख दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट एक भी नहीं है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो पहले आए नहीं कभी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी चलेगा. वो कहते हैं नहीं ये कभी नहीं चलेगा, लेकिन अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, और जिन लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले शिफ्ट कर लिया था वो ज्यादा कमा रहे हैं. तो अगर हमने ऑल्टरनेट बिजनेस ना चूज किया होता शायद हम भी परेशान हो रहे होते इस चीज के लिए, राइट. लेकिन अगेन एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स अ सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इन इट. वही हमारे साथ हुआ कि जब ये पीरियड शुरू हुआ तो पहली बात तो ये कि हमें सोचने का थोड़ा मौका मिला, घर से बाहर जब नहीं निकलना था तो घर के अंदर बैठ के सोचने का मौका मिला कि हमें किस किस काम पे कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें अर्जेंट है, कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट है, और हम कहाँ भागे फिर रहे हैं. यही मौका वो आपके लिए भी है सेम. सो आई कैन से दिस थिंग के लाइक ये तो मेरा व्यू था देखने का, बट लीना ने जब मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया तो लीना अपने बारे में बताएंगी कि व्हाई शी गॉट इनटू द बिजनेस. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम लीना. Hello, everybody, and I welcome everybody. And myself, Shalina, and me and KK, milke is business ko passionately build kar rahe hain. The scenario is changed, the time is changed, and business karne ke tarike change ho chuke hain. And no doubt, people are growing in this time also. और I can see कि देखे बहुत सारी चीजें हैं, है ना. पहले virtually अब लोगों को आना एक थोड़ा सा वो लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, बट लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है. अब लोग जैसे हम फिजिकली बोलते थे मीटिंग्स में बच्चे अलाउड नहीं है, बट स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब हम वर्चुअली मीटिंग करते थे कई बार पीछे से आगे स्क्रीन चल रही होती थी, पीछे से लोग जा रहे हैं, है ना, कुछ वो सेटिंग्स ही नहीं हो पा रही थी. बट अब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अडेप्ट कर लिया है, अब बहुत प्रॉपरली लोग इसको लेके बैठते हैं, है ना, पूरा इस तरह की दे आर इफ दे आर इनटू सम सिटिंग इनटू सम मीटिंग. सो लोगों ने बहुत अच्छे से इसको वर्चुअली प्लेटफॉर्म को भी अडॉप्ट किया है. और बाकी देखिए आज की डेट में, है ना, बिजनेस करना बहुत इजी हो गया है. आई थिंक बहुत इजी हो गया, ये आपका टाइम एनर्जी मनी सब कुछ बचा रहा है. और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह लेते हैं और कितना बड़ा इसका बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप एक जगह बैठ के आप ग्लोबली आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, इवन आप इंडिया में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो. और हमारे लिए तो कहते हैं ना कि ये टाइम भी एडवर्सिटी भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग बन के आई है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना. तो फिर क्योंकि आज यहाँ पर बैठ के हम बेंगलोर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हिमाचल भी कर सकते हैं, पंजाब के किसी भी रीजन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, मुंबई कनेक्ट कर सकते हैं. अब जो प्लेटफॉर्म जो है वो बढ़ चुका है. और बाकी देखिए हमने थोड़ा सा जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, उस पर अगर हम बात करें तो हम इम्यूनिटी और हाइजीन को लेके बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं. और क्योंकि देखिए आज की डेट में इसकी आज नीड भी है ना. और हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बट यही है कि देखिए हमें उस चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है और राइट इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि हम उसको शेयर कर सकें. और ये बिजनेस हमने कैसे बिल्ड किया था, हमने देखिए नो डाउट जब हमने बिजनेस बिल्ड किया था तब कुछ भी इतना रिफाइंड वो चीजें नहीं थी. हमें एक एक चीज जाके जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां जाके हमें हर एक एक चीज लेके आनी पड़ती थी. ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, ऑनलाइन परचेजिंग भी नहीं हो पाती थी, है ना. इवन जो पीवी चेक करते थे वो भी हम ऑनलाइन नहीं कर पाते थे, हमें वहीं जाके चेक करने पड़ते थे कंप्यूटर पे. आज की डेट में देखें तो बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं. और कहते हैं ना अब तो मुझे लगता है कि बिजनेस बहुत ईजी हो गया है ना. नाउ इट्स अप टू अस कि हम इसको कैसे करते हैं. और नो डाउट शायद वो हमारे लिए एक बहुत रफ फेस भी था, मगर हम उसमें भी ग्रो किए. और जो ट्रेनिंग्स आर मस्ट, और बिना ट्रेनिंग्स के ये जो बिजनेस है
वो नहीं चलेगा. इवन अगर आप घर पे बैठे हैं इस टाइम, तो स्ट्रीमिंग ज्यादा से ज्यादा सुनिए, क्योंकि देखिए माइंड को ना फर्टाइल करेगा. क्योंकि नो डाउट, मुझे लगता है कि स्पेशली लेडीज का नो डाउट घर में बैठ के ना थोड़ा सा वर्कलोड, मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड्स भी घर पे हैं, और एट द सेम टाइम कईयों के घर पे मेड्स भी नहीं आ रही हैं, है ना. और मगर देखिए यही चीज है कि हमको उन सब चीजों को मैनेज करना है. और अभी जैसे लॉकडाउन खुल चुका है ऑलमोस्ट, बट चीजें वैसी नॉर्मल नहीं होंगी जैसे पहले थी, बट दिस विल बी अ न्यू नॉर्मल, है ना. तो हमने थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को और बूस्ट अप करना है, और हमने अपना ध्यान खुद रखना है, और स्ट्रीमिंग ज्यादा से ज्यादा सुननी है, इस ऑरे में हमने ज्यादा रहना है ताकि हम अपने माइंड को फर्टाइल कर सके. और लेडीज के लिए मैं देखिए इतना भी कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सारे टाइम किचन किचन किचन, थोड़ा सा टाइम हमें इसमें भी आना है ना. सीखिए इसको डिजिटली, क्योंकि देखिए कुछ भी मुझे लगता है कि अब दूर नहीं है, और कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि कई बार हमें लगता है कि हम वर्चुअली कैसे प्लान दिखाएंगे. पहले लेडीज को लगता था कि हम स्टेज पे कैसे जाके प्लान दिखाएंगे, या हम किसी से कैसे बात करेंगे, बट वो भी फिजिबल हो गया. अब आप देखते हैं कि कितने सारी हाउसवाइफ्स हैं जो इतने लाखों लोगों को एड्रेस करती हैं, है ना. तो सेम वे अब वर्चुअली भी कोई इतना बड़ी बात नहीं है. थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी चीजें इजी हो जाएंगी. और हमारा सारा बिजनेस इसी पे आ चुका है, तो वी नीड टू प्रैक्टिस दिस, और हमें इस पे आना ही पड़ेगा.